पापी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। तुम परेशान मत हो हादिया, मेरी बात हो गई है, हम तुम्हें जल्दी लेने आएंगे। हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन पकड़ने की? कैसे हिम्मत हुई? चची चची वो चुप कर। अरे इतनी सी है, अजाब हमारे सर पे आके बैठ गई है, मोहब्बत मर गए, कलमो ही हमारे पीछे छोड़ के चले गए। नहीं चची चुप कर, मैंने कहा आवाज आगे से नहीं निकाला कर। हादिया पप्पो मैं कुछ नहीं जानती, आप मुझे हादिया से मिलवाने ले चलें प्लीज। मिलवा दूंगी करूंगी फोन शजात को। तुम अपना रोना धोना तो बंद करो, उसे डांटा मत करो। कसम ले लो अगर मैंने उसको डांटा भी हो या कुछ कहा भी हो। आमना ये तुम ज्यादती कर रही हो। सुनाए सुनाए मुझे ही सुनाए बातें। दिहाई बदतमीज औरत है। मुझे तो हादिया की फिक्र खाए जा रही है जुबैर। किन चक्करों में पड़ रही हो तुम? और सबा को मना करो वो बार बार फोन ना किया करे, और तुम भी ना करना। अरे क्या हाथों में तेरे जान नहीं है? दो बर्तन भोले धोने के लिए, वो भी तेरे हाथ कांप रहे। चल बर्तन दो और चमकाना पूरे बर्तन, समझी ना? वो जो 3 प्लॉट है ना, उनकी फाइलें नहीं है। तुम्हें पता है कहाँ है? खबर तो तुम्हारे पर हर चीज रखवाता था, शायद उसने तुम्हें कभी कोई फाइलें दी हो। नहीं पप्पू, अब्बू ने मुझे नहीं दी। पप्पू वो सारा और हादी। सबा बेटा हर बात की जिद नहीं करते हैं, समझी? मीठी बनने की एक्टिंग करती हो ना, ये मेरे सामने तो मत किया करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम अंदर से कितनी चालाक हो। तुम सबा को फोन करो, ठीक है? उससे पूछो वो जो तुम्हारे नाम प्लॉट है ना, उसकी फाइल कहाँ रखी है। आप ही क्या, अब हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे। ऐसी बातें क्यों कर रही हो पागल, हम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। आप ही मैं आपको बता नहीं सकती मुझे हादिया कितना ज्यादा याद आती है। मुझे भी बहुत याद आती है हादिया की। भाई रोने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें मिलवाने ले चलता हूँ। आप ले जाएंगे मुझे? तुम अपनी बहन से जी भर के मिलना, जी भर के मिलना, जितनी देर चाहे मिलना, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे और मैं तुम्हें फिर सी व्यू ले चलूंगा। मैं सिर्फ सारा से ही मिलने जाऊंगी। अम्मी इसका अपनी आपे की बहुत याद आ रही है, इसको भी मेरे साथ भेज देना। अच्छा तो ये पट्टियां पढ़ा रही है मेरी बेटी को। समीना आपी ने 5,000 भेजे हैं हादिया के लिए। सारी जायदाद वो रखे और हमें टको पे टरका दे, वाह जी वाह, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। और जो हिस्सा बच्ची का है ना उसे दे दे, वरना रखे अपने पास। वो जो बच्चियों का हिस्सा है उन्हें दे दिया जाए तो अच्छा है, बाद में मसला नहीं होगा। इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या बात करूं, पहले जुबैर से पूछ लूं फिर बताती हूं। जफर खालू प्लॉट के कागजात के बारे में बहुत पूछताछ कर रहे हैं। इन लोगों का तो दिमाग खराब है, अभी शुजात का भी फोन आया था। सबा से बात हुई तुम्हारी? जी खालू वो सबा अभी से बात हुई थी, पर उनको मालूम नहीं है इस बारे में। घरों में बच्चों ने परेशान कर रखा है, अब तो शुजात भी अपना हिस्सा मांग रहा है। अरे वो तो मोम का गुड्डा है, सारी कारस्तानी तो आमना की। जानती हूँ किसी चीज के लिए भी हाँ नहीं करनी। हाथ पांव टूट गए तेरे, जल्दी लगा झाड़ू। चाची अब मुझसे झाड़ू नहीं लगाई जाएगी। तुम्हें कितनी बार बोला है कि बच्ची से काम मत करवाया करो, तो फ्रेम में सजा के बिठा दूं क्या? ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? देखो बात सीधी है समीना, जितना हिस्सा बन रहा है शराबत से वो दे दो। खालू अम्मी अब्बू बहुत याद आते हैं। यकीन करो तुम पर जो गुजरी है ना बेटा,
दिल फटता है, सोच सोच के दिल फटता है। सर फट रहा है मेरा तो उनका लालच देखकर। जफर भाई का फोन आया था, पता है क्या कह रहे थे? धमकियां दे रहे थे। ये सारा का हिस्सा नहीं मिला ना तो कोर्ट तक मामला लेकर जाएंगे। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं सारी जायदाद, सारा पैसा सभा के नाम मुंतकिल करवा दूं। कोर्ट कचहरी तक बात नहीं जानी चाहिए। See you.